तरफ से किस्सा पेश है जानी चोर भाग नंबर वन। तो सुनिए जानी चोर का पहला भाग रणबीर सिंह से। तो बताया जाता है कि जानी चोर और नर सुल्तान का बहुत गहरा दोस्ताना होया करता। उनकी एक धर्म बहन थी जिसका नाम था मरवण। बात की चिट्ठी आ जाती है, दोनों दोस्त बात भरने की तैयारी करते हैं और बात भरने के लिए चल पड़ते हैं। रास्ते में एक काबू नाम का दरिया पड़ता था, वहां आके सुल्तान कहने लगा कि भाई जानी, इस दरिया में स्नान करके आगे का रास्ता फिर तय करेंगे। तो जानी कहने लगा, ठीक है भाई सुल्तान, तू स्नान कर ले और मैं घूम फिर के आता हूं। जानी चोर घूमने फिरने के लिए निकल जाता है और सुल्तान स्नान करने लग जाता है। लेकिन जब गोता मार के वापस लकड़िया तो उसने देखा एक तख्ती बहती हुई नजर पड़ी। उसको उठाया, उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम महकदे है और मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती हूँ और अदली का पठान ने मैं कैद कर रखी हूँ। कोई धरती पर छतरी बीज हो तो मैंने आकर छुटा कर ले जा, नहीं तो ये अदली का पठान मेरा धर्म बिगाड़ देगा। तो इतनी बात पढ़ के सुल्तान कुछ उदास हो गया और उधर से जानी चोर घूम फिर काया। कहने लग गया कि भाई सुल्तान, तन में राजी खुशी छोड़ के गया था और की बात से तुम उदास बैठा पाया, तो उस तख्ती में क्या लिखा था? सुल्तान एक बात के द्वारा क्या समझाने लगा, क्या बता रहा? न बोला भाई तख्ती का मजबून पड़ा, मन सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खाकी कैद में पड़ी। तकदी का मजबूत पड़ा, मन सोच से पड़ी एक नार महक दे अदली खाकी कैद में पड़ी। मेरे आंसू क्यों पड़े से और आंसू क्यों आ रही से, क्या बताया भला? वही कला तेरे हिंदू धर्म की गाटी थी, प्राचीन मरियादा तहना डटती लागरी, डटते तहना डटती लागरी मेरे नैना ते जई। बहुत अच्छी एक नार महक दे अद
सारा हाल बदन में है, पढ़ के सारा हाल बदन में मेरे आगे पीछे रोएगी खड़ी।